अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसला पाकिस्तान का और मैं हूं आपका होस्ट जुनैद मलिक। आज हम बात करेंगे NA 150 की, जिसका अगर बात की जाए मल्ले वकूह की तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो शहर के साथ है और बाकी जो है वो देहाती इलाका है इसको लगता है। तकरीबन 15 से 20% जो है वो इसका जो शहरी इलाका है उस मकाम पे हम मौजूद हैं। इसमें मुमताज़ाबाद, सूरजकुंड रोड, बिहारी रोड और इसके अलावा दीगर मशहूर जगहें इसमें शामिल हैं। अगर इस हलके के वोटर्स की बात की जाए तो 5,91,000 से ज़ायद जो वोटर हैं वो अपना राय हक दही इस्तेमाल करेंगे। 3,18,000 से ज़ायद जो वोटर हैं वो मर्द हैं, जबकि 2,28,000 से ज़्यादा जो वोटर हैं वो ख़वातीन वोटर हैं। हल्का NA 150 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन से उम्मीदवार जो है वो किस पार्टी के जो है वो मजबूत हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो इंटरेस्टिंग जो बात है हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे जो मुतवक्के उम्मीदवार हैं वो 4 उम्मीदवार हैं। एक गुज़श्ता अदवार में भी बनते रहे हैं, एक जो है वो PTI छोड़कर नून लीग में शामिल हुए हैं, जबकि 2 जो दीगर हैं वो उनके हल्के अब इसमें शामिल हुए हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग है, 4 उम्मीदवार हैं, तो देखते हैं कि आवाम जो है वो किसको वोट देना पसंद करेगी। तो आवाम पे चलते हैं, वो इस पे किसको जो है वो वोट देंगे और किस पे जो है वो बात करते हैं, किसको वोट देंगे कोई पता नहीं भाई जनाल साहब, अभी कोई फैसला नहीं किया। अब तो कुछ दिन रह गए हैं, नून को देंगे, PTI को देंगे, PP को देंगे, आखिर कोई तो जब वक्त आएगा देखा जाएगा। बिल्कुल, जब वक्त आएगा जहरी बात देखी जाएगी। जी आप क्या कहते हैं? हम तरीके लब्बैक को देंगे। तरीके लब्बैक, हाँ जी इंशाल्लाह उन्हीं को देंगे। क्या समझते हैं कि वो यहाँ पे जो हल्के के मसाइल हैं, गंदगी के ढेर हैं, ये रोड नहीं बनते और बाकी चीज़ें हैं, वो मसाइल हल होंगे? हाल तो किसी ने भी नहीं किया, देखा आपके सामने क्या हालात हो पड़े, हमारे घर आटा नहीं है, इतनी महंगाई हुई पड़ी है, बिल भर भर के हम पूरे हो पड़े हैं, कोई हिसाब किताब ऐसा बन रहे नहीं है। किस पार्टी को वोट देंगे? नहीं देंगे किसी पार्टी को। आखिर कई उम्मीदवार होगा आपका, नून का, PTI का, पीपल पार्टी का, आखिर कोई तो होगा जो हल्के के बारे में? सर सोबर भी हम हैं, हम वोट इस बार नहीं देंगे। वालेकुम सलाम, किस पार्टी को वोट देंगे? PTI। क्या PTI ने हल्के में काम करवाए? देखो जी काम तो तकरीबन नहीं करवाए, लेकिन बंदा ईमानदार से मौका देंगे तो इंशाल्लाह वो करवाएगा। बाकी नून लीग से भी हमारी तरफ से कुछ भी नहीं, हमारी गली में आगे देखो गटरें ख़राब हैं, कोई सेवरेज का इंतज़ाम नहीं है किसी चीज़ का। हालांकि राणा महमूदुल हसन की बिल्कुल हमसाए हैं, लेकिन हमारे हाल तो आगे देखो। वालेकुम सलाम, किसको वोट देंगे? सर जी अभी तो कोई इरादा ही नहीं है हमारा, तो पता क्यों सारे ऐसे ही हैं। नहीं, हल्के के काम देखे कितनी गंदगी है, कितना वैसे मसाइल। जमात इस्लामी को देंगे अगर देंगे तो। जमात इस्लामी को देंगे, वो एक उम्मीद है क्या? हाँ जी थोड़ी सी उम्मीद है ना। हाफिज साहब किस पार्टी को वोट देंगे? हम किस कैंडिडेट? हम आजाद हैं। आजाद हैं, जो भी आजाद उम्मीदवार खड़ा होगा? हाँ जी मौलवियों को देंगे, मौलवियों को वो। आप क्या समझते हैं कि वो काम करेंगे हल्के में इतने मसाइल? इंशाल्लाह काम करेंगे, हल हो जाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। किसको, किस पार्टी को वोट देना पसंद करें? किसी को भी नहीं दे रहे। क्या वजह? आवाम की एक देखें, आवाम की ताकत होती है, एक वोट पावर है, किसी को भी दें, किसको वैसे आप? मैंने कभी दिया नहीं है। आपने अभी तक वोट दिया ही नहीं है, क्या वजह अभी तक वोट? बस इस्लामी हुकूमत नहीं है ना, जिससे जो बात इस्लाम की होती है ना वो बात नहीं है इसमें, यहाँ पर है नहीं इसलिए। कौन सी पार्टी को वोट देंगे? नून वाले को। नून को आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो काम करेगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो काफ़ी है। उम्मीद काफ़ी है, पहले भी वैसे काम किए हैं उस? हाँ पहले भी काफ़ी काम किए हैं ख्याल से, आप तो देख रहे हैं, शायद नून हमें कोई सहूलत दे आगे, अल्लाह को पता। किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं। हल्के के काम नहीं करवाना? नहीं करवाना, हम खुद ही कर लेंगे। बहुत नहीं, फिर तो 3 साल हो गए हैं ये रोड नहीं बन रहा, इसीलिए सब गुजर रहे हैं इधर से, PTI वाले, नून लीग वाले, पीपल पार्टी वाले, सब गुजर रहे हैं, कोई मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ कर रहा किसी को बख्शना नहीं है। अब
वो आपका जो वोट की पावर है वो आखिर जहरी बात है, वो तो फिर जाहिल हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी। वो हम कार्टून को वोट देंगे, कार्टून भी होना चाहिए ना वोट देने के लिए, कार्टून को वोट देंगे। आप समझते हैं कि कोई इस काबिल नहीं है उम्मीदवार? इस काबिल कोई, मैं कहता हूँ देखें ना, काम करना चाहिए। जो भी आता ना वो अपनी जेबें फटते हैं, मैं कहता हूँ काम नहीं करते। बिल्कुल अपने जो है ना राय है, और इंसान की राय का जो है वो एहतराम करना चाहिए। इस वक्त ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से वापस आके मज़ीद भी दीगर जगहों पे जाके लोगों की राय जानते हैं। चलते हैं ब्रेक पे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं हलका NA 150 की। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के जो मुतवक्का उम्मीदवार हैं वो चार हैं, जबकि दिगर पार्टियों के एक एक दो दो उम्मीदवार अभी मैदान में उतरे हुए हैं और फुल कंपेन भी जो है वो जारी है। इस हलके में जो सबसे ज़्यादा मुल्तान के सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो इसी हलके में, क्योंकि आबादी वाला ये इलाका है और तमाम मुकम्मल तौर पर यह आबादी पर मुश्तमिल इलाका है। अगर इसका देही इलाका भी लगता है तो देही इलाका भी इंडस्ट्रियल है और दीगर जो घर हैं वो वहाँ पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से इसमें 5,91,000 से जायद जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद है। 3,18,000 से जायद जो है वो मर्द वोटर हैं, जबकि 2,28,000 से ज़्यादा जो है वो खवातीन वोटर हैं। तो ये अपना जो राय हक दही है इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन में। सर किस पार्टी को वोट देना पसंद? PTI। क्या वजह? बस वजह क्या होनी है, आपको पता ही है सब कुछ। नहीं, हम आखिर जो है उसको क्यों आप पसंद कर रहे हैं ज़्यादा? क्या नून ने बाकी किसी जमात ने यहाँ पे काम नहीं? कोई भी नहीं करवाता। वैसे हल्के के मसला क्या, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा काम ऐसा है जो होना चाहिए? काम तो सभी करवाते हैं लेकिन आधा करवाते हैं आधा नहीं करवाते, लेकिन PTI को देंगे। आगे भी चलते हैं, मजीद जो है ना हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, किस जमात को वोट देंगे? वोट तो इंशाल्लाह नून लीग को। नून लीग ने हलके में काम करवाए हैं? बस काम तो नहीं करवाए लेकिन कुछ और हलकों में करवाए हैं ज़रूर, वह हमारे में भी हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब आप उम्मीद से हैं कि अगर नून लीग आ गई तो जो है वो काम हो गया? बिल्कुल इंशाल्लाह, उम्मीद तो बहुत है। आप किसको वोट? इंशाल्लाह शेर को जी, नवाज शरीफ। क्या वजह, नवाज शरीफ ने क्या कर दिया ऐसा? शेर है जी, पूरा मुल्तान उसी ने बनाया, हर इलाके उसने बनाए, बाकी अब चोर आए थे सारे, चोर अपने घर बैठे हैं सुकून से। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो भी उम्मीदवार होगा वो जीत जाए? सारे अच्छे हैं जी और सारे उम्मीदवार जीतेंगे इंशाल्लाह, रब ने चाह तो। बाकी ये चोर हैं जितने भी, ये अपने घर तसल्ली से होके चले जाएंगे। भाई साहब किसको वोट दें? PTI। PTI को? उसने इस हलके में काम करवाया? हम इस हलके से नहीं, हम दूसरे हलके से। उसमें काम करवाए? जी जी। क्या समझते हैं कि बाकी जमातें काम नहीं करवाती? करवाती हैं, और बाकी भी करवाती हैं, लेकिन अपनी वो है। बिल्कुल अपनी राय है, सारी बात है, हर किसी का अपना जो है वो चीज़ें हैं कि वो किसको वोट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे, कौन सी जमात? वोट पीपल पार्टी को। पीपल पार्टी काम करवाती? करवाती है। इस हलके में वैसे काम कर? हमारे इलाके में हाजी राणा सजाद हुसैन है, वो करवा रहे हैं काम। आप समझते हैं कि वो जीत गए तो काम बहुत हो? काम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। किस पार्टी को वोट देंगे? नवाज शरीफ से। उसने काम करवाए हैं? काफ़ी का काम कराई है। आप समझते हैं कि इस हलके के जो मसाइल हैं वो नवाज शरीफ की पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो वो हल करवाएगा? वो हलेगा, कराओगा, ये इसका वादा था। हाँ, आप समझते हैं कि जो है वो उस वोट उसी का ही है? आप वोट इसका है पक्का? बिल्कुल जो है वोट बड़ी बात है, किसी भी पार्टी का हो, मसाइल लोगों के लिए जो मसाइल हैं उनका हल होना लाजमी है, वो हल होंगे तो बुजुर्ग आ रहे हैं इनसे जाए। अच्छा वालेकुम सलाम। किस पार्टी को वोट दें? हम PTI को। अच्छा PTI को दे, इन्हें काम करवाए थे? हाँ काम कराए थे। बाकी पार्टीज करवाती हैं या नहीं करवाती? नहीं नहीं, दूसरी पार्टी ने इन्हें कराए थे, मैंने 5,00,000 लिया लोन थ्रू में, 4600 किस्त भर रहा हूँ 10 साल टाइम में, मकान बनाया छत। इसीलिए आपने कहा अच्छा काम है तो काम है ना,
बिल्कुल अवामी राय है, थोड़ा सा भाई से भी बात कर लेते हैं, सब्जी तो बेच रहे हैं मगर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। किस पार्टी को वोट दें? बल्ले को। क्या वजह? अगर बल्ला ना हुआ तो फिर वोट नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे। भाई खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। किसको वोट दें? इमरान खान। क्या वजह? अच्छा इंसान है वो, बहुत मोहब्बत वाला है, सही है हमारे मुल्क में वो। वालेकुम सलाम। किस पार्टी को वोट दें? पीपल्स पार्टी को। क्या वजह? वजह ये है कि एक तो वो मुल्क में रहे, ठीक है, दूसरा उसने जेलों का और पार्टियों का मुश्किलात का सामना किया है, बाकी लीडरान की तरह बाहर नहीं निकला, ठीक है। दूसरी बात ये, इमरान खान जब आया तो कुछ क्या पेट्रोल का रेट था, फिर कहाँ पर एकदम महंगाई गई है। माशाल्लाह शहबाज शरीफ ने आके तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया कि जी हम यूँ करेंगे, हम 70 रुपये लीटर देंगे, इमरान खान महंगा दे रहा है, आटा महंगा कर दिया हर चीज़। अब वो कहते हैं जी हमने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला है, लेकिन अवाम तो मर रही है ना, अवाम के लिए क्या किया आपने? अवाम वोट फिर किस बात पे दे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस पार्टी को वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को सर। क्या वजह? आप सर भाई ने जैसे आपको बताया काम करते हैं, इस वजह से सर उनके काम की वजह से उन्हें वोट देंगे, वरना तो बाकी तो जमात फारिक हैं। आप समझते हैं कि हल्के में काम होंगे? सर पहले भी आप मुल्तान में पूरे देखें तो गिलानी फैमिली ने काम कराया, बाकी तो किसी ने नहीं कराया। शाह महमूद कितने अरसे रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ गिलानी फैमिली है जो यहाँ काम करेगी। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे कि वो इस हल्के से इलेक्शन लड़े, फिर इंशाल्लाह ताला जीतेंगे भी सही और बेहतरीन रिजल्ट आएगा यहाँ। बिल्कुल जो है वो राय है आप लोगों की। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे जाने। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। किसको वोट, कौन सी पार्टी को वोट दें? कौन सी पार्टी को वोट दें? वोट आपने नहीं देना? नहीं देना। क्या वजह, क्या समझते हैं क्यों वोट? भाई हमें क्या से? आपके आपके जो हल्के के मसाइल हैं वो आखिर कौन फिर हल करेगा? सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट देंगे? सर एमपी है, मैंने का एमपीए का। इस हल्के में जो भी कैंडिडेट है किसी भी पार्टी का है, किसको आप समझते हैं कि वोट दें? सर इस हल्के में हमने देना है पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी के राणा सज्जाद साहब हैं और अली मूसा गिलानी साहब हैं, तो सर वोट इंशाल्लाह इन्हीं का ही होगा, क्योंकि ये सर लोगों के काम आने वाले हैं, किसी किस्म के कोई मसाइल हों, कोई भी काम हो तो आप इनके पास चले जाएं, इंशाल्लाह लाजमी ये सॉल्व आपके काम करवाते हैं। फैसला पाकिस्तान का है, फैसला आप लोगों ने करना है, वोट की ताकत से किसको ले कर आते हैं ये चीज़ तो पोलिंग वाले दिन ही पता चलेगी जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा। चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक के बाद फिर आएंगे और हल्के के दीगर मसाइल के साथ दूसरी जगहों पे बातचीत करेंगे। चलते हैं ब्रेक पर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसला पाकिस्तान का और मैं हूं आपका अपना होस्ट जुनेद मलिक। हम बात कर रहे हैं हल्का NA 150 की, यहाँ पर कौन से उम्मीदवार जो हैं वो अपने कैंडिडेट, जो आवाम है वो अपने कैंडिडेट को किस तरीके से जितवाने के लिए या क्या इकदाम कर रहे हैं और किसका होगा हल्के के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए कौन सी पार्टी उनके लिए कारगर साबित हो सकती है? हम आवाम से बात कर रहे हैं, यहाँ के शहरियों से बात कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी वालेकुम सलाम। किस पार्टी को वोट देंगे? जी PTI। क्या वजह? बस बंदा अच्छा है, चोर नहीं है, डाकू नहीं है, अच्छा बंदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस पार्टी को वोट देंगे? फिलहाल तो सलमान नहीं, मैं हल्का वही लगता है जो हल्के में लगता है, हम तो कोशिश करते हैं कि उसी को वोट दिया जाए, उससे ये होता है कि चलो कभी ना कभी तो बंदे को शर्म आती है, चाहे कोई भी हो उसके अंदर फ़ायदा ही होता है, कोई चार बंदे देखेंगे तो पता लगेगा उसको यार का हमारे को वोट दिया, हमारे हल्के का बंदा, किसी और को वोट देते हैं तो वो आपको पता नज़र नहीं आता। ये तो MPA के उम्मीदवार है ना, NA के उम्मीदवार जो है ऊपर वाली सीट पे, किस ऊपर वाली सीट पे अभी पता ही नहीं लग रहा कौन है कौन नहीं, जब पता लगेगा फिर देखेंगे। नून लीग के चार उम्मीदवार हैं, उसके अलावा पीपल पार्टी के हैं, सारों के सारी पार्टी, जाहिर है जब अगर सलमान नईम को देंगे तो कोशिश करेंगे नून लीग को दिया जाए बड़ा वोट भी। आप किसको? PTI। क्या वजह? क्योंकि इधर देखें 50 साल से जो हुकूमतें लागू थी वो इन्होंने आगे उनको। आप क्या समझते हैं कि जिस रोड की आप बात कर रहे हैं वो अगर आ गए तो बन जाए?
हाँ कोशिश तो ये लगे हुए हैं, बाकी ये ना पाकिस्तान के काम ऐसे होते, कोई जोर डालेगा तो बन जाएगा, वरना है ये ऐसे चल रहे हैं जैसे कीड़ी की चाल हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे साथ मौजूद हैं इसने, वालेकुम, किस पार्टी को वोट? पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। आप क्या समझते हैं कि वो आ जाए तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे? जी, इस हलके का सबसे बड़ा मसला क्या है? यही है, सीवरेज का मसला है ज़्यादातर, सड़कों का। कौन सी पार्टी को वोट देंगे? सुलेमान नईम को। वो मुस्लिम लीग नून में है, किस में? जिसमें भी हो हम उसको देंगे। हम वो छोटा वोट है, बड़ा वोट? बड़ा वोट जमीयत उलमा इस्लाम। जमीयत उलमा इस्लाम को आप समझते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार जो हैं मार्केट जीत के अगर आएंगे तो आपके इस मसले, इस हलके के मसाइल हल होंगे? हमने वोट देना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी पार्टी को आप वोट देंगे? अभी तक कोई मूड नहीं है वोट देने का। क्या वजह है? वजह ये है कि जी बंदा अपनी टेंशन से भी नहीं निकल रहा तो वोट क्या क्या करें, महंगाई इतनी है, परेशानी इतनी होती है अभी तक। वोट वोट की देखें ताकत तो है ना, वोट तो है। जब आएगा टाइम उस टाइम देख लेंगे, देना तो है किसी को भी जो होगा। हाँ, जहाँ दिल जमीर मानेगा वहीं डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। किसको, कौन से पार्टी को वोट देंगे? भाई अभी तो पार्टी का क्या दे वोट, कोई मसला है कोई भी नहीं तावन करता इस टाइम। क्या इस हलके में कोई काम शाम नहीं करवाता? कोई काम नहीं करवा रहे हैं, ये देख ले ना क्या हाल हो रहा है, सड़कों का बुरा हाल है भाई। काम कर रहे थे, कोई काम करवावेगा तो हो जाएगा, अब चार दिन में आ जाते हैं फिर छुट्टी है, फिर लोगों को बेकार है। हाँ जी, साल में सिर्फ चार दिन आए, वोट लिया और गायब, फिर गायब है। अब रेड़ा चला गया, हमारे रिक्शे इतने टूटे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, नुकसान उठाते हैं हम यहाँ लाज में। वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे आप? हम देंगे बिलावल भुट्टो को दें या नवाज शरीफ को। बिलावल भुट्टो को दें? हाँ जी। तो काम करवाएगा इधर? करवाएगा, नवाज शरीफ को भी देंगे, उसको भी देंगे। अंदर चार वोट हैं, दो उस तरफ हैं, दो उस तरफ। अच्छा, माशाल्लाह। इस हलके में जो है बड़े अगर मसाइल की बात की जाए तो ट्रैफिक का भी मसला है, सीवरेज का भी है, रोड का भी है। ये देही और शहरी हलका, तिजारती मुल्तान के जो तिजारती मराकज़ हैं वो बहुत सारे इसमें आते हैं। तो हम अगर वोटर की बात कर रहे हैं, इलाके की बात कर रहे हैं, शहरीों की बात कर रहे हैं, तो हम जो कैंडिडेट हैं थोड़ा सा उनसे भी जो कंपेन कर रहे होंगे हम उनको भी तलाश करते हैं कि अगर वो हमें मिल जाएँ तो हम उनसे बात करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो जा रही हैं। आज जी बिल्कुल हमारे साथ सलमान नईम साहब मौजूद हैं जिन्होंने पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को भी हराया था, तो अब दोबारा ये कैसा मुकाबला देख रहे हैं हल्के में और क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सलमान भाई, आप ये बताएंगे कि कैसा आप देख रहे हैं माहौल इलेक्शन का और हल्के के लिए क्या पैगाम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल हम कैंपेन पर निकले हुए हैं पिछले एक महीने से और जिस तरह लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है माशाल्लाह, 2018 में जो मैं इलेक्शन लड़ा था उससे अच्छा रिस्पांस आ रहा है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। और दूसरी तरफ जो है वो अभी तक कोई कैंडिडेट जो है वो हल्के में कैंपेन नहीं कर रहा, कुरैशी फैमिली से मुझे नहीं लगता कि शायद वो मुल्तान में भी हैं कि नहीं है, यहाँ पर कोई और अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो माहौल है इलेक्शन वाला उसमें कितनी गहमा गहमी देख रहे हैं, क्योंकि आप हल्के में विजिट भी कर रहे हैं और कैंपेन भी जारी है? आप भरपूर गहमा गहमी है अभी भी, मैं कैंपेन पे आया हूँ जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो जिस तरह क्योंकि अभी तक एक महीने से ज़्यादा इलेक्शन को पड़ा हुआ है तो भरपूर गहमा गहमी जैसी होनी चाहिए, जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और कैंपेन भरपूर तरीके से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हल्के में तो ऐसा है, बाकी मैं कहीं गया नहीं हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पहले ये हलका जो है वो पीटीआई के उसमें था उससे पहले भी, और लोग जो है वो किसको आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा किस पार्टी को ज़्यादा चाहत उनने? जी पिछले चार इलेक्शन में पीटीआई यहाँ से सिर्फ एक इलेक्शन ज़िमनी जीती है जो पिछले डेढ़ साल पहले हुआ था और वो भी बड़ा क्लोज मार्जिन था, और ज़ैन कुरैशी साहब ख़ुद फरमाते रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कि उन्होंने पंजाब का सबसे मुश्किल इलेक्शन जीता है। तो उससे पहले मैं एक दफ़ा इंडिपेंडेंट जीता हूँ, उसके अलावा सब इलेक्शन जो है वो यहाँ से पीएमएलएन जीती आई है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी पीएमएलएन भारी अक्सरियत से कामयाब होगी इंशाल्लाह।
बिल्कुल भारी अक्सरियत से PMLN जो है वो कामयाब होगी। हल्के की आवाम क्या कहती है, क्योंकि फैसला पाकिस्तान का है, तो चलते हैं और मज़ीद भी हल्के की आवाम से जो बात करते हैं कि वो अपने जो वोट है वो किसको देना पसंद करेंगे। चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस हलके में सबसे बड़ा मसला क्या है भाई जान? इधर मसाइल का गढ़ है, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ मुहैया नहीं है। अगर किसी का गटर ख़राब हो जाता है तो वो पैसे दे के हम काम करवाते हैं, ना हमारी MNA सुनता है, ना MPA सुनता है, ना ये वो नाजम वगैरह जो चेयरमैन वगैरह बने हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। यहाँ तक के झाड़ू देने वाले भी गलियों में नहीं आते। तो यहाँ इस मुल्क के अंदर ये वोट लेने के लिए आ रहे, क्या इन्होंने दिया आवाम को? आवाम बाशऊर है, वो इनको कोई वोट नहीं देगी। हर बंदा अपने मुतालबात के लिए, अपने नफ़े के लिए भाग रहा है। क्या किया है किसी ने? किसी ने कुछ नहीं किया। ये देखें, ये पाकिस्तान में मुल्तान शहर एक सिटी है, ज़िला है, यहाँ की हालत देख लो। तमाम चीज़ें लाहौर को देख लें, इस्लामाबाद को देख लें, दूसरे इलाकों को देख लें, और जितनी यहाँ मंडियाँ लगती हैं, मैं कह रहा हूँ इस्लामाबाद कराची में भी इतनी मंडियाँ नहीं होंगी, हर घंटे बाद ज़िला है। तो यहाँ क्या इन्होंने दिया है? आए दिन वो पुलिस वाले रोक लेते हैं, ये जी नर्लिंग नहीं है, फलान नहीं है, कुछ नहीं है। यार हर चीज़ कानून के मुताबिक तो कर रहे हैं। सबसे बेसिक मसला है यहाँ ना हेल्थ है, हेल्थ का निज़ाम गलत है, और अल्लाह आपका भला करे, तालीम का कौन सा सरकारी स्कूलों के अंदर आप खुद देख लो, क्या कितनी सर्दी है, बच्चे टाट पे बैठे हैं। आखिर वोट तो किसी को देंगे ना? अब मेरे भाई वोट जब देंगे देंगे, लेकिन इन वोटों वालों ने हमारे लिए क्या किया? इन्होंने तो 22-25 करोड़ आवाम को भेड़ बकरी समझा हुआ है। आप क्या समझते हैं जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, किस पार्टी को आप कहते हैं कि भाई हम किस पार्टी को वोट देंगे, वो शायद की बात है वो जीत जाए? और जो पार्टी है अच्छा आदमी है, अल्लाह ताला रहमत करे, अच्छा आदमी भेजे। हमारी दुआ तो यही है कि जो भी है अच्छा है। वैसे PTI देखें, उनका तो जोर शोर है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है कौन बेहतर कर सकता है। हम तो दुआ कर सकते हैं, जो हालात हो पड़े हैं, हर कोई परेशान है। इस टाइम एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक पे चलते हैं और इसी हलके का जो दूसरा इलाका है वहाँ पे जाके जानेंगे कि वहाँ के शहरी वोटर्स क्या कहते हैं और उनके मसाइल क्या हैं। चलते हैं ब्रेक पर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसला पाकिस्तान का और मैं हूं आपका अपना होस्ट जुनेद मलिक। हम बात कर रहे हैं NA 150 की, क्या सूरत हाल है, इस हलके के मसाइल क्या हैं, शहरी क्या चाहते हैं, अपने जो वोटर्स हैं वो क्या चाहते हैं, जो आने वाले लीडरान से क्या उम्मीदें बांधे हुए हैं, क्या इस हलके की तकदीर बदल सकेगी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इस हलके के मसाइल क्या हैं वैसे? इस हलके के मसाइल एक तो नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। क्या मसाइल हैं बताएं? मसाइल ये एक बेरोज़गारी, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम आदमी को जो फैसिलिटी दी जाती है वो दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। इधर इस हलके में क्या रोड्स, सीवरेज और बाकी चीज़ें सारी बनी? पहली मेन मसला यही है सीवरेज का, उसके बाद रोड का। और ये रोड आपका देख रहे हैं कि जब जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से देखो सब आए दिन हादसे होते हैं। ये किसकी वजह है? हुक्मरानों की गफलत है। किसको वैसे वोट देना पसंद करेंगे? मैं अगर मेरी राय पूछते हैं सर, मैं इस चीज़ को हराम समझता हूँ, वोट देना ही हराम है। आपने आज तक वोट नहीं दिया सर? किसको, कौन सी पार्टी को वोट देंगे आप? देखो जी, पहले तो शेर वालों को देते थे, अब देखो किसको देना चाहिए। सोचा नहीं? नहीं सोचा। सियासतदान आप वोट आए हुए हैं क्या, आपके पास आए हैं वोट लेने हैं? अभी नहीं आया, अभी टाइम आएगा फिर आएंगे। आप किसको वोट देना पसंद करेंगे, कौन सी पार्टी? यार पार्टी सारी एक जैसी है, हम किसको दें? सोच रहे हैं अब किसको दें। आखिर मसाइल का हल तो करना है ना, ये मसाइल हल तो कोई तो करेगा। ये नवाज शरीफ को देंगे इंशाल्लाह। इस हलके में सबसे ज़्यादा मसला किस चीज़ का? सीवरेज का है, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, और अल्लाह आपको भला करे सफाई का मसला है। यहाँ पर सफाई वाले भी नहीं आते यहाँ पर, ठीक है ना, और अल्लाह भला करे रात को चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं यहाँ पर, वो नहीं है कोई यहाँ पर, कोई भी यहाँ पुलिस वाला गश्त वगैरह कोई भी नहीं है। यहाँ के MPMN आते हैं आपके पास? नहीं, MPMN नहीं आते, वो तो घर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। नहीं,
अब तो वोट आ गए, अब तो वो आएंगे। जब आएंगे, अभी जरूरत नहीं है ना, अभी जरूरत होंगे तो जब आएंगे ना, अभी तो जरूरत नहीं है, अभी तो घर बैठे हैं, वो सुकून कर रहे हैं, वो शर्म के मारे आते नहीं है हमारे पास। क्यों, पहले जितवाने वाले आप? पहले जितवाने वाले हम थे, अभी इस दफ़ा जो है ना खान खान है, बाकी सब नज़ल ज़ुकाम है। आप समझते हैं कि बाकी किसी का कोई नहीं? नहीं, यहाँ पर ये बात यानी यहाँ पर चोरी डकैती गुज़श्ता हुकूमत भी तो उन्हीं की थी। हाँ बिल्कुल थी, वो उसमें वो आपकी बात सही है, लेकिन उसको पूरा टाइम नहीं दिया उन्होंने। पूरा टाइम देते फिर इसी वजह से, हाँ पूरा टाइम देते तो होता ही। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी मुंतखब होगा वो इस आपके मसाइल हल करने में किरदार अदा करेगा? कोई पता नहीं कौन आएगा, हल होते या नहीं होते। आखिर वोट आप भी किसी को देंगे ना? हाँ जी, समझते हैं कि जिसको आप वोट देंगे वो आएगा और वो मुंतखब होके किरदार अदा करेगा? इंशाल्लाह करेगा। देखो जी, कौन आएगा, जो भी आया हम तो कहते अच्छा है, जो भी आए। बाकी आपको पता, आपके पास कोई वैसे वोट लेने के लिए आया है, कोई मांगने के लिए? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। हम इसकी सलमान एम की सपोर्ट करेंगे, नून लीग की आप नून लीग की सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। इस हलके का सबसे बड़ा मसला क्या? इस हलके का सबसे मसला जो है रोड का ही मसला है, मेन रोड का इशू है, मेन रोड, सीवरेज, गैस, ये तीन प्रॉब्लम है ज़्यादा। आपके जो मसला है वो बिहारी चौक ट्रैफिक का इशू है, और मतलब वार्डन की मौजूदगी में भी ना ट्रैफिक बुला के रहते। आप क्या समझते हैं कि आने वाला इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन में आप जो भी मुंतखब होगा वो इन मसाइल का आपके लिए हल करेगा? नहीं सर, बहुत मुश्किल है, क्योंकि माफिया मुसल्लत है हर तरह, हर जगह, ट्रांसपोर्ट है, जो भी है, माफिया मुसल्लत है। माफिया से मुकाबला किसी भी MNA MPA का काम नहीं है। आप आखिर वोट देते हैं, वोट की पावर होती है, वो मुंतखब, ये माफिया का काम है सारा, कोई वोट की पावर नहीं है। बस जो जान नजर आए उठा लो, जैसे जिसका दिल करता है, जो जिसको बेहतर लगता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो काम है। वैसे आप किसको वोट दें? वोट तो देखेंगे, फिलहाल तो हमारा ये हल्का ही नहीं है, हल्का जो हमारी साइड का है उस तरफ PTI का ज़्यादा जोर है, तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा जो। क्या समझते हैं वैसे वोट किसको देंगे? वोट तरीके लब्बैक का बस। वो समझते हैं कि वो कामयाब होके इधर काम करेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर के रिहायशी हैं? हाँ जी हाँ जी। ये बताएं कि इस हलके में वैसे सबसे ज़्यादा मसला क्या है, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए था जो हुकूमत ने अभी तक नहीं किया? ये होना चाहिए था भाई, कारोबार होना चाहिए, बेरोज़गारी बहुत हो बढ़ी है, परेशान है लोग, कारोबार नहीं है, वो इसलिए बेचारे खड़े हैं चुप करके। भाई ये माहौल सही होना चाहिए था। वोट वैसे किसको देंगे? अब देखो जो सही होगा तो उसको ही देंगे ना जी, अब वोट दे देंगे तो कुछ है हासिल ही नहीं की, इतनी महंगाई हो गई है, अब तो रोटी भी पूरी नहीं होती। आप क्या समझते हैं जिसको भी मुंतखब करेंगे वो आपके हक में जो है वो अल्लाह गवाह देता है, कोई पता नहीं होता जी इन लोगों का, कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिलहाल कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये तमाम तर चीज़ें हैं, हम मजीद भी जो है लोगों से बात कर रहे हैं। आप बताएं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, किस पार्टी को वोट देंगे? जो सर हुकूमत जो हमारा साथ देगी हम उसके साथ हैं। क्या क्या काम करना चाहिए? ये मजदूरों का ख्याल करें ना, जो मजदूर रोड पर दलील हो रहे हैं इनका ज़रा थोड़ा कुछ सोचा जाए इनके बारे में। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे हम दलील होते हैं, हमें कुछ भी नहीं है, बच्चों की रोटी का जो है कमानी बहुत औखी हुई पड़ी। आप समझते हैं कि जो भी मुंतखब होता है उसका बड़ा किरदार होता है इस? बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही लोग हैं। मैं थोड़ा सा इस साइड पर दिखाता हूँ कि ये मेन बिहारी रोड है और मेन जो चौक है मुल्तान का, बहुत मशहूर जो है वो चौक है बिहारी रोड। इस हाथ पे बाबुल जिक्रिया है, ये सरकारी जो कॉलोनी है ये वो है, और ये बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ इसमें आती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं इसमें। इस हलके में 5,91,000 उससे ज़ायद जो वोटर हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और ये हल्का बड़ा गहमा गहमी वाला है, इसमें देही इलाका भी है, शहरी इलाका भी है, और बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो मुल्तान में वोटर हैं वो इसी हलके में अपना राय अकदे इस्तेमाल करेंगे। आवाम की राय आपके सामने है, फैसला पाकिस्तान का है। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम में नए हलके से एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।